Archie, will you be my boyfriend? Yes. पर प्रपोज तो मुझे करना चाहिए था ना। हम साथ हैं, उससे फर्क पड़ता है कौन प्रपोज करेगा उससे नहीं। आरुषि, 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 उठ जा यार, कितना सोएगी। मालूम है आज स्कूल का ऑफ है, पर हमने प्लान किया था पहले वॉक पे जाएंगे, फिर मूवी देखने जाएंगे, याद है ना मैडम? मूवी तो मेरी चल रही थी, तूने उठा के ना सब कुछ खराब कर दिया रोहन। फिर से ड्रीम देख रही थी ना ऋषि का? धीरे बोल, मॉम सुन लेगी, और अगर सुन लेगी ना मेरा मर्डर कर देगी। हाँ, देख रही थी मैं ड्रीम ऋषि का, बट नाउ इट्स टाइम, टाइम टू टर्न दिस ड्रीम इनटू रियलिटी। ऐसा क्या देख लिया तूने ड्रीम में? प्रपोजल। प्रपोजल? माय फर्स्ट प्रपोजल। बाय मॉम। बाय आंटी। फर्स्ट प्रपोजल? तू पागल है क्या? देख, मुझे पता है तुझे ऋषि पसंद है, और मैंने ऋषि को भी देखा है तुझे देखते हुए, तो शायद उसे भी तू पसंद होगी, पर तू लड़कियों के पहले प्रपोज करेगी? हाँ रोहन, छी छी छी, मेरा बेस्ट फ्रेंड होके तू ऐसी बातें कर रहा है? तू जैसे लड़के से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वुमन एम्पावरमेंट, इक्वल राइट्स में बिलीव करता है ना तू, तो लड़की पहले प्रपोज क्यों नहीं कर सकती? ऐसी बात नहीं है यार आरुषि, पर आई डोंट नो, मैं ये सब मामले में थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ। पर बात तेरे मामले की तो हो नहीं रही है, बात मेरे मामले की हो रही है। वो बात भी सही है, पर तू श्योर है ना? देख, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं चाहता तू हर्ट हो। हाँ मैं श्योर हूँ, और मैं हर्ट क्यों होंगी? क्योंकि तेरा जो ऋषि है ना, वो हर आती जाती लड़की को स्माइल देता रहता है। रोहन, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है या मेरा दुश्मन? चलिए सब छोड़, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता, कैसे प्रपोज करूँ उसे? लेट्स ब्रेक द स्टीरियोटाइप। रोहन, तूने यही बुलाया था ना ऋषि को 3:30 को? हाँ बोला तो था, अब वो टाइम का पंक्चुअल नहीं है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यार आरुषि, मुझे तो ये आइडिया ही स्टूपिड सा लग रहा है, तुझे पता भी नहीं है कि वो तुझे। तो पता ही तो लगाना है। देख रोहन, लाइफ ना बहुत छोटी है, दिल में जो है वो कर लेना चाहिए, और मन में जो है वो कह देना चाहिए। वो आ गया है, तू जा यहाँ से। ऑफ कोर्स, मुझे कौन सा यहाँ रह के तुम लोगों का प्रपोजल देखना है। हाय। क्या हुआ, सब ठीक है? रोहन ने कहा तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी है। पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। क्या? प्लीज। ओके। अब आंखें खोलो। ऋषि, आई रियली लाइक यू, विल यू बी माय? तुम्हें मैंने स्कूल में एक स्माइल क्या दे दी? तुम्हें क्या लगता है हमारे बीच कुछ हो सकता है? तुमने कभी अपनी शक्ल मिरर में देखी है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा? शक्ल तो तुम्हारी सही है नहीं, दिमाग भी खराब है लगता है। You're just not my type, आरुषि। तुम ना यही रहना डिजर्व करती हो, जमीन पर। मैंने बोला था ना आरुषि, इट्स अ बैड आइडिया, लेकिन तुझे मेरी बात ही नहीं माननी है। अरे तू क्यों सैड हो रही है अब इतना? उसका लॉस है यार, कुछ तो बोल। अच्छा क्या करना है उसका बता, उठवा ले साले को।
या मार मार के भूत बना दे, तू बस बता क्या करना है उसका। आरुषि ओ नो, साला कुत्ता ऋषि, बेचारी आरुषि। भैया ऑटो घुमा लो। कहाँ ऋषि और कहाँ ये? प्रपोज करने से पहले सोच तो लेती। आई। हाय आंटी, आरुषि कहाँ है? रूम में है। थैंक यू आंटी। अरे तू भागी कहाँ जा रहा है? आंटी वो ट्यूशन है तो बुक्स लेनी है आरुषि से। आरुषि तुझे ये सब इंसल्ट वाले मैसेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब इडियट लोग हैं। नहीं, मुझे ये इंसल्ट वाले मैसेजेस पढ़ने की जरूरत है। कल तो बुरा लग रहा था, आज मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ रही हैं। बट मैं इस इंसल्ट को बेकार नहीं जाने दूंगी। जब कोई इंसल्ट करता है ना, तब उसे सिर्फ एक ही तरीके से पोस्टर लेना चाहिए, अपने आप को कुछ बनाने में, अपने आप पर काम करने के लिए, लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। मतलब इट्स टाइम टू वर्क ऑन माई सेल्फ। अभी वो देख आरुषि। अभी ये तो रोने वाली है। रो जी। आरुषि खन्ना इंडिया को मिस टीम वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करेंगी।
आरुषि खन्ना टॉप 6 में पहुंच चुकी है। आरुषि खन्ना मिस टीन वर्ल्ड के फाइनल्स में पहुंच चुकी है। आरुषि खन्ना मिस टीन वर्ल्ड के फाइनल्स को जीत चुकी है और इंडिया को प्राउड किया है। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू आरुषि खन्ना। यस! तुमने ना यार अपने दोस्त की नाक ऊंची कर दी है ना। प्राउड ऑफ यू आरुषि। थैंक यू मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। मैं तो सिर्फ ये सब एक पार्टी के लिए कर रहा था। पार्टी तो बनती है मेरे दोस्त। आरुषि तुमने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू सो मच यार। मुझे तो पहले से ही कॉन्फिडेंस था कि हमारी आरुषि ही जीतने वाली है। तुझे स्टेज पे डर नहीं लगा? सच बताऊं स्टार्टिंग में थोड़ा लगा। इसे भी बुलाया है? मैं क्यों बुलाऊंगी इसे? मुझे लगा इसे तूने बुलाया। अरे मैं क्यों बुलाऊंगा इस इडियट को? I know, मैं बिन बुलाए आ गया हूँ। बट मुझे पता था कि मेरे आने से तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। After all, तुम मुझे पसंद जो करती थी। I mean, you went down on your knees for me. एक सेकंड भाई। You're right. तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हें पसंद करती थी। But you know what? कभी-कभी इंसान की मत मारी जाती है। मेरी भी मत मारी गई थी। But I don't mind कि तुम मेरी पार्टी में आए। क्योंकि after all ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। तुम्हारी वजह से ही मैंने अपने आप को प्रूव करने की ठानी थी। And sometimes best motivators are the ones who pull you down. So you know what? केक खा के जाना। You deserve it. I am sorry, आरुषि. Sorry. मुझे पता नहीं था मेरे rejection की वजह से तुम्हें ऐसे feel होगा। मैं तुमने ही तो कहा ये सब मेरे वजह से हुआ है। So let bygones be bygones. फिर से शुरू करते हैं। Will you be my girl? Wow, Rishi. अब मैं कुछ बन गई हूँ। तो मैं तुम्हारी टाइप हूँ। The fact is, you were never my type. So never, ever, even in your dreams. जाएगा। Let's go. Carry on, guys.